आपका स्वागत है। आज मैं तड़का हट में आपके लिए सोया मोमोज लेके आई हूँ। आइए देख लेते हैं कैसे बनाएंगे हम। मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले हम अपना आटा तैयार कर लेते हैं। देखिए, हमने मैदा ले लिया है, 1 कप मैदा लिया है। उसमें हम आधा चम्मच हम नमक डालेंगे, या फिर अपने स्वाद के अनुसार आप नमक डाल लें और इसको आटे की तरह अच्छे से स्मूथली गूंद लें। देखिए, हमने मोमोज का आटा लगा लिया है। अब इसे हम थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तब तक हम मोमोज की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। मैंने आधा कप सोया लिए थे, उन्हें मैंने हल्के गुनगुने पानी में सोख कर लिया था। सोख करने के बाद मैंने उसका पानी निचोड़ दिया, जो कि इस तरीके से हो गए हैं। इसमें हल्का हल्का मॉइस्चर है। अब इसको हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे और बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेंगे। हमने एक पैन ले लिया है, पैन में हम बटर डालेंगे। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, मैंने बटर डाला है। बटर डालने के बाद मैं इसमें चॉप करा हुआ अदरक और लहसुन डाल दूंगी। सोया मोमोज में अदरक लहसुन ज़्यादा अच्छा लगता है। इसको अच्छे से भून लेंगे, इसका कच्चापन निकाल लेंगे हम। देखिए, हमारा लहसुन अदरक अच्छे से पक चुका है। उसमें हम 1 चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे, आधी चॉप करी हुई हमने डाली है गाजर। आप चाहे नहीं चाहते तो नहीं खाते तो मत डालिए। 1 शिमला मिर्च डाला है चॉप करा हुआ। थोड़ी सी मैंने इसमें बंद गोभी डाली है चॉप करी। ये सब्जियों को डालने के बाद हम अपना जो हमने सोया लिया था उसको हमने मिक्सी में, आप चाहे तो क्रश कर लीजिए। मेरे पास चॉपर था, मैंने उसे चॉपर में एकदम देखिए छोटा छोटा चॉप कर लिया है। अब उसे डाल देंगे इसमें हम। डालने के बाद हम आधा चम्मच नमक डालेंगे इसमें, या अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल लें। इसके बाद हम 1/2 टेबल स्पून रेड चिली डालेंगे, अपने स्वाद के अनुसार डालें इसे आप। काली मिर्च क्रश करी हुई डालेंगे हम आधी चम्मच, इसमें काली मिर्च का ही फ्लेवर अच्छा आता है। उसके बाद हम डालेंगे 1/2 चम्मच सफ़ेद सिरका, 1/2 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे सोया सॉस। ज़्यादा नहीं डालेंगे, ज़्यादा डालने से बहुत ब्लैक ब्लैक हो जाता है ये, और इसे अच्छे से हम चला देंगे। देखिए, हमने सब चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है और इसको 1/2 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम अपने मोमोज बनाना शुरू करेंगे। देखिए, हमने आटे की बहुत छोटी छोटी लोई काट ली है, उन्हें इस तरीके से कर लिया है। अब हम एक एक लोई को बहुत पतला पतला सा बेल लेंगे। देखिए, हमने पतली पतली इस तरीके से अपनी पूड़ी की तरह लोई हमने बेल ली है। हमें पूड़ी इतनी पतली बेलनी है कि बिल्कुल आर पार दिखाई भी देना चाहिए, ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। आइए हम इसमें अपनी फिलिंग भर लेते हैं मोमोज की। हमने अपनी पूड़ी पे चारों तरफ जो है पानी लगा लिया है। अब इसमें हम ये जो हमने सोया वाली जो फिलिंग बनाई थी उसे हम इस पे रख देंगे बीच में। हमने फिलिंग को रख दिया है और हम इसे इस तरीके से उठाएंगे और ऐसे करते चले जाएंगे। देखिए, इस तरीके से हमें फिल करना है अपने मोमोज को। इसी तरीके से हम सारे मोमोज को अपने फिल कर लेते हैं। देखिए, हमने सारे अपने मोमोज फिल कर लिए हैं। आइए चलिए हम इन्हें स्टीम कर लेते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, मैंने एक बड़े बर्तन में पानी गर्म कर लिया, उस पर इस तरीके का स्टैंड रख लिया। उस पर मैं छलनी रख लूँगी क्योंकि मेरे घर स्टीमर नहीं है, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। और इस छलनी पर मैं थोड़ा सा ऑयल से ग्रीसिंग कर लूँगी। छलनी को हमने ग्रीसिंग कर लिया है, उसके बाद अपने हम मोमोज इस पर रख देंगे इस तरीके से। अगर आप ग्रीसिंग नहीं करेंगे तो मोमोज नीचे चिपक सकते हैं, इसलिए मैंने इसकी ग्रीसिंग करी है ऑयल से। इस तरीके से रखने के बाद हम एक अच्छे से इसे कवर कर देंगे, जिससे इसकी स्टीम बिल्कुल भी बाहर ना निकले, और 20 से 25 मिनट तक इसे हम इस लो फ्लेम पर स्टीम होने देंगे। आइए देख लेते हैं, हमारे मोमोज रेडी हो गए होंगे, 20 मिनट से स्टीम में है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे मोमोज एकदम रेडी हैं। चलिए, अब इन्हें हम सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं।
हमने प्लेट में निकाल लिया है। इसको हल्का हल्का हम बटर लगा देंगे। अगर आप बटर नहीं खाते हैं तो नहीं, इसको स्किप भी कर सकते हैं। हल्का हल्का सा बटर लगा दें तो इसमें और भी स्वादिष्ट लगता है ये। साथ में हम थोड़ा सा इस पर हम चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे, वो ऑप्शनल है, आपको खाना है तो आप डालें, नहीं तो नहीं भी डाल सकते हैं आप। हमारे सोया मोमोज रेडी हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।